तो दोस्तों अगर आपका भी जीबी व्हाट्सएप में, एफएम व्हाट्सएप में, या फिर यो व्हाट्सएप में, या फिर किसी भी और व्हाट्सएप में नंबर बैन कर दिया गया है, आपको यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला मसला आ रहा है, और जब आप अपना बैन हुआ नंबर चलाने के लिए लिंक एडवाइस करते हैं तो आपका लिंक एडवाइस भी नहीं हो रहा, आपको वहाँ पे कुड नॉट लिंक एडवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपका लिंक एडवाइस नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिंक एडवाइस करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आपने लिंक एडवाइस कैसे करना है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। बहुत ही इजी सा मेथड है, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है। ये भगवान क्या जुलूम है। आपने उस मेथड से अप्लाई करना है तो आपका 100% हो जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बगैर टाइम वेस्ट के, और आपको बताता हूँ कि आपने लिंक एडवाइस के जरिए स्कैन करके अपना जीबी व्हाट्सएप या कोई भी और व्हाट्सएप जो है वो कैसे चलाना है। मैं यहाँ पे आपको जीबी व्हाट्सएप का बताने वाला हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से कोई और एफएम यो या फिर कोई और व्हाट्सएप आपका अगर बैन है तो आप उसे भी चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि मैंने यहाँ पे मैं किस व्हाट्सएप में आपको स्कैन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला जीबी व्हाट्सएप है, ये जीबी व्हाट्सएप दोस्तों मैंने आपको कल की इस वीडियो में बता दिया था कि आपने इसको कैसे इजी तरीके से डाउनलोड करना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देखो, तो आप वो वाली वीडियो देख के इसको इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको फायर स्टॉप करके स्टोरेज के लिए डाटा कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इस वक्त मेरा कोई भी नंबर नहीं लॉगिन, मैंने कोई भी यहाँ पे लिंक एडवाइस के जरिए इसको स्कैन नहीं किया। अब मैं इसको स्कैन करने के लिए दोस्तों सारा मेथड अप्लाई करूंगा, दोस्तों वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब बहुत से दोस्तों क्या करते हैं कि लिंक एडवाइस करते वक्त ये वाली सेटिंग नहीं करते, वो कहते हैं हमारा फिर भी ये देखें स्कैन हो गया, हमारा फिर भी लिंक एडवाइस से चल गया, हमने कोई भी सेटिंग नहीं की। तो ये वाली सेटिंग जो है ये मैं आपको इसलिए नहीं बताता कि आपका लिंक एडवाइस हो जाए, बल्कि ये वाली सेटिंग आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, इसकी सेफ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रोटेक्शन के लिए बताता हूँ ताकि आपका डाटा वगैरह आपका प्राइवेट रहे, वो आपके पास महफूज रहे। तो इसके लिए आपको ये सेटिंग बताता हूँ, अगर आप ये सेटिंग नहीं भी करते तो आपका लिंक डिवाइस हो जाएगा, लेकिन आपको एक वीपीएन की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है, वो आपको ज़रूरी कनेक्ट करना होता है। अब वो कौन सा वीपीएन है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उससे पहले आपको सेटिंग बता दूँ कि आपने कौन सी सेटिंग करनी है। दोस्तों सिंपल से आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर आपने यहाँ पे प्रोफाइल सी नज़र आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे दोस्तों आपने प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल से प्ले प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर सेटिंग का छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको लाजमी ऑफ करना है। अब जब भी आप लिंक एडवाइस करेंगे तो आपने उससे पहले ये वाली सेटिंग लाजमी करनी है, आपने यहाँ पे इसको लाजमी ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ करके यहाँ पे अपना स्क्रीन का लॉक लगा लेना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे वीपीएन में आती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, आपने यहाँ पे फिजीपोन प्रो वीपीएन सर्च करके ये वाला निकाल लेना है। अब दोस्तों ये वाला वीपीएन मैंने पहले भी आपको सभी वीडियो में बताया कि ये वाला वीपीएन आपने करना है, लेकिन आपने ये वाला वीपीएन करने के बाद अब थोड़ा सा इसमें मेथड चेंज हो गया है, वो मेथड भी आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा मेथड इसमें चेंज हुआ है। दोस्तों आपने सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेना। अब इसमें जो मेथड चेंज हुआ है वो आपको बताता हूँ। अबे साले, यहाँ पे दोस्तों आपने आई एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसको यस कर देना। अब दोस्तों सिंपल से आपने यहाँ पे तीसरे नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन, और यहाँ पे वीपीएन सेटिंग में आ जाना, और यहाँ पे दोस्तों आपने टूनल ऑल ऐप्स के ऊपर सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे आपने ओनली टूनल सिलेक्टेड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर लेना, और नीचे आपको सिलेक्ट ऐप्स वाला जो ऑप्शन होगा ये विजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग हमारी चेंज हुई है, मतलब जो हमने मेथड चेंज करना है, इसमें वो ये करना है कि पहले मैं यहाँ पे आपको क्या कहता था कि यहाँ पे आपने सिर्फ जीबी व्हाट्सएप को ही सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सिर्फ जीबी व्हाट्सएप को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने जो भी पहले ऐसे टिक मार्क लगे होंगे आपने उन सभी को यहाँ पे अनटिक कर देना है, मतलब यहाँ पे जो भी टिक मार्क होंगे वो सभी को मैं यहाँ पे अनटिक कर लेता हूँ। और दोस्तों अब आपने सिर्फ अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप है जिसके जरिए आप इसको स्कैन करने वाले हैं, अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप के जरिए इसको स्कैन करने वाले हैं। अगर आपका दूसरा मोबाइल है तो आपने दूसरे मोबाइल में वीपीएन सिर्फ डाउनलोड करना है, और उसमें सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ ही इस फिजीपोन प्रो को कनेक्ट करना है, मतलब आपने जीबी व्हाट्सएप के साथ अब कनेक्ट नहीं करना। अब आपने सिंपल से ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ इसको यहाँ पे डन करके कनेक्ट कर लेना है, और इसके अलावा अब आपने कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपने यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो गया, जीबी व्हाट्सएप के साथ अब हमने कनेक्ट नहीं करना। तो अब मैं सिंपल से यहाँ पे अपना जो है जीबी व्हाट्सएप ऐप उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू, और अब यहाँ पे V10.10 वर्जन में आपको ये फिक्स्ड बैन नंबर यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ऊपर आपने थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके लिंक एज कंपेनियन डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा ये ऐसे करके।
अब दोस्तों आपके इस मोबाइल का काम सिंपल से खत्म हो गया। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। अब आपने सिंपल से अपने मोबाइल में ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना। आपने व्हाट्सएप बिजनेस नहीं करना बल्कि आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेना है सिंपल से, और उसमें अपना जो जीबी व्हाट्सएप में नंबर चलाना चाहते हैं आपने सिंपल से उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने सिंपल से लिंक का डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इसको अब लिंक करना है। अब यहाँ पे मैं इसको लिंक कर लेता हूँ, और अब आपने अपना जीबी व्हाट्सएप जो होगा उसको ऐसे सामने रख लेना है। मैं आपको लिंक करके दिखा देता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिंक डिवाइस के जरिए जीबी व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन हो गया है। दोस्तों बहुत ही इजी सा तरीका है ये, थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है कि पहले जब हम फिजीफोन प्रो को कनेक्ट करते थे वो जीबी व्हाट्सएप के साथ करते थे, अब हमने सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है तो अब हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ इसको कनेक्ट करना है तो अब हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आप दो डिवाइस में कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप वाले में फिजीफोन प्रो को कनेक्ट करना है, जीबी व्हाट्सएप के साथ नहीं करना, तो आपका इजी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों यही सिर्फ मेथड चेंज हुआ है, बाकी आपने सिर्फ सारा मेथड वही करना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कैसे आपने अपने जीबी व्हाट्सएप में अपना नंबर लॉगिन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।